तोशु ने किया काव्या को फोन, काव्या को दी धमकी। स्टार प्लस का शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि अचानक माही घर से गायब हो जाएगी। घर वाले परेशान हैं, सब माही को ढूंढते हैं, वहीं तोशु अलग ही बात करने लगता है। तोशु सबके सामने कहता है कि बाप यानी कि वनराज तो भाग गया और साथ ही काव्या को भी माही की कोई चिंता नहीं है। इसके बाद गुस्से में तोशु काव्या को फोन करता और कहता है कि यहाँ पर आओ और अपनी बेटी को लेकर जाओ। साथ ही तोशु दूसरा ऑप्शन ये देता है कि अगर काव्या आ नहीं सकती है तो उसे अपनी बेटी के खर्चे भेजने पड़ेंगे, पर गुस्से में काव्या कहती है कि वो नहीं आएगी और ना ही वो पैसे भेजेगी और वो फोन रख देती है। वही बा का गुस्सा फूट पड़ता है तोशु पर। बा कहती है कि अपने घर वालों से कोई पैसे मांगता है। वैसे तोशु कोई काम नहीं करता है और ना ही उसके पास पैसे है, लेकिन वो बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे पूरे घर को वही पाल रहा है और सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इसके बाद माही वापस आती है, वो सबको धमकी देती है कि अगर तोशु का बिहेवियर नहीं बदलेगा तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। माही के साथ साथ बाकी बच्चे भी माही को सपोर्ट करते और कहते हैं कि तोशु का बिहेवियर बहुत गलत है। बेसिकली माही तोशु की वजह से परेशान हो गई और उसे ये लगने लगा है कि अब इस घर में उसका कोई नहीं है। अब काफी दिनों के बाद काव्य का जिक्र हुआ है। फिलहाल काव्य आने से इनकार कर रही है। देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या वो अपनी बेटी के लिए वापस आएगी। आप क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।